आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ राजस्थानी बाफला बाटी बनाने की रेसिपी। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। आप बना करके दाल के साथ इसे खाइए, बहुत अच्छे लगते हैं। और सारे टिप्स को फॉलो करेंगे तो जो बाफले हैं एकदम बढ़िया बनेंगे, नरम बनेंगे, बिल्कुल बिखरेंगे नहीं। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है 2.5 कप जितना गेहूँ का आटा। आटे का टेक्स्चर आप देखिए, थोड़ा सा दरदरा आटा है। अगर आप पिसवाते नहीं हैं आटे को और नॉर्मल पैकेट वाला आटा लाते हैं तो आप उसमें 1/2 कप जितनी सूजी डाल दें, जिससे कि जो बाटी या बाफले जो भी बनाएंगे क्रिस्पी बनेंगे। इसके बाद इसके अंदर हमें डालना है अजवाइन, तो 1/4 टीस्पून अजवाइन, चुटकी भर जितनी हल्दी, अच्छा कलर देती है बाफले में, और 1/2 टीस्पून या टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक जो है वो कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो बाफले हैं वो फीके फीके लगते हैं। बाटी के अंदर जो है हल्दी नहीं डाली जाती है, बस इतना ही डिफरेंस होता है, और आटा सेम तरीके से लगाया जाता है। अब इसमें हमें तेल का मोयन डालना है, तो 3 से 4 टेबल स्पून तेल का मोयन इसमें जाएगा। तो आप मोयन एक साथ सारा ना डालें, पहले 2 टेबल स्पून डालें, फिर चेक करें, ज़रूरत हो तो और डाल सकते हैं। वैसे ये बराबर रेशो है जो मैंने आपको इस रेसिपी में दिया है। और मोयन डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है मोयन को। आप घी का मोयन डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ घी का मोयन इसलिए नहीं डाल रहे हैं क्योंकि तेल के मोयन से जो है वो बाफले काफ़ी बढ़िया बनते हैं, नरम बनते हैं। बेकिंग सोडा डालने की भी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बिना बेकिंग सोडे के हमें ये बनाने हैं। तो तेल का मोयन देखिए इस तरह से मुट्ठी दबा दबा करके प्रेस करेंगे तो मुट्ठी बन जानी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मोयन डाल देंगे तो जो बाफले हैं बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, वो बिखरने लगेंगे, तो हमें ऐसा भी नहीं चाहिए। और बहुत कम डालेंगे तो बाफले सख्त बनेंगे। और पानी डाल करके इसका आटा लगाना है। आटा जो है वो भी हमें यहाँ पर सेमी सॉफ्ट लगाना है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। पूड़ी का जैसा आटा होता है वैसा आटा इसका लगा के तैयार कर लें। 2 से 3 मिनट के लिए इसे गूंद लें, बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं होती है इस आटे को। और अच्छे से देखिए हमारा आटा लग चुका है। देखिए आप टेक्सचर देखिए, इस तरह का सख्त होना चाहिए कि दबाने से दब रहा है। और अब हम इसके बाफले बनाएंगे। तो जिस तरह से बाटी को शेप दिया जाता है बिल्कुल वैसे ही हमें इसको शेप देना होता है, बस इसको हमें बॉईल करना होता है। और बाटी जो होती है वो बिना बॉईल करके डायरेक्ट सेकी जाती है। तो इस तरह से आप छोटे छोटे जिस साइज़ के बाफले बनाना चाहें उतना पोर्शन ले लें। बाफले जो होते हैं जनरली बड़े साइज़ के होते हैं बाटी से, और घर पे हम बना रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा बड़े तो नहीं बनाएंगे, लेकिन मीडियम साइज़ के बनाएंगे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ना बनाएं, अच्छे नहीं लगते हैं वो। तो इस तरह से देखिए हाथों के बीच में बढ़िया से इसे दबा दबा करके आप प्रेस करके इस तरह से इसको शेप दे दें। तो अगर आप थोड़ा सा इसे चाहें तो थोड़ा सा दबा सकते हैं, पर मैं इस तरह से गोल गोल ही इन्हें रख रही हूँ। और इसी तरह से हम यहाँ पर टोटल 5 बाफले जो हैं हमारे 2.5 कप आटे से बन के तैयार हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि आप क्या साइज़ के बाफले बना रहे हैं। और यहाँ पर 6 से 7 कप जितना पानी मैंने उबालने के लिए पहले ही रख दिया है। पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद इसके अंदर जो बाफले बनाए हैं इन्हें डाल दें। और अब हमें इन्हें इस पानी के अंदर बॉईल करना है, यानी कि इन्हें बाफना है, तो इसलिए इनका नाम जो है वो बाफले हैं। और धीमे आँच पर इसे 25 से 30 मिनट के लिए आप बॉईल होने दें। अभी तो ये नीचे बैठे हुए हैं पानी के अंदर, और जैसे जैसे ये हल्के होंगे गर्म होते जाएंगे और ये ऊपर आने लगेंगे, तो लाइट हो जाएगा इनका वेट। और पानी अब ज़्यादा होगा तो ये अपने आप ही पानी में घूमते रहेंगे, तो आपको इन्हें अलग से घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी बीच बीच में आप इन्हें पलटते रहें, चम्मच एक दो बार डालते रहें ताकि ये नीचे चैटे नहीं। और ये देखिए इस तरह से हमारे बाफले अच्छे से बॉईल हो गए हैं, कलर देखिए बढ़िया सा आ गया है और अपने आप ही ये घूम रहे हैं। तो अब 25 से 30 मिनट में ये पक जाते हैं और इन्हें हम निकाल देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इन्हें सेकेंगे। तो सेकने के लिए मैं बाटी के ओवन का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें हम 15 से 20 मिनट के लिए इन्हें बेक करेंगे, इनका जो कवर है वो अच्छा सा गोल्डन होने तक। आप चाहें तो इन्हें काट करके घी में फ्राई करके भी सर्व कर सकते हैं। दो तरीके हैं, आप जैसे चाहें वैसे इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो इसे हम सिकने देंगे, हर 5 से 7 मिनट के बाद इसको ओवन को खोलेंगे और इन्हें उलट पलट करते रहेंगे ताकि जो सिकाई है वो सब जगह से एक जैसी हो। और इस कलर आप चाहें जितना डार्क कर सकते हैं, जैसे कि बाटी का कलर होता है ना, बहुत लोग कड़क बाटी खाना पसंद करते हैं, कोई नरम बाटी, उसी तरह से बाफले जो हैं वो भी आप चाहें तो और डार्क कर सकते हैं। पर ये बन गए हैं, गैस को मैं बंद करके इन्हें निकाल रही हूँ और इसके बाद हम इन्हें घी लगा करके दाल के साथ सर्व करेंगे। तो बाफले सिक चुके हैं और इन्हें हम एक कैसरोल के अंदर निकाल देते हैं। गर्मा गर्म ही इन्हें खाइए, ठंडे होने के बाद इतने अच्छे नहीं लगते हैं, बाटी या बाफला जो भी होते हैं गर्म गर्म खाएंगे तो अच्छे लगेंगे। और इस तरह से एक कपड़े के अंदर आप इन्हें दबा लें क्योंकि ये बहुत गर्म है, डायरेक्ट हाथ से ना करें। और ये देखिए
इस तरह से दबाएंगे ना तो कितने नरम है ये, आराम से खुल रहे हैं। और इसके बाद हम इसके अंदर घी डालेंगे, तो आप चाहें तो घी के अंदर इन्हें डिप करके निकाल लें या ऊपर से इस तरह से घी डालें। तो घी जो है वो कम ना डालें, अच्छे घी में डुबो करके इन्हें खाएंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको दाल बाटी या बाफला बाटी खाने का मन हो तो आप ज़रूर ट्राई करिए। साथ में चूरमे की रेसिपी भी आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए।